कल असी देखिया देश दे विच किस तरह दे नाल केंद्र सरकार वालों मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया, तो हुण पंजाब दे विच वी क्यास लाए जा रहे हैं कि कई लोगों नूं एडजस्ट किया जाएगा, कईयां नूं खुश किया जाएगा, तो पंजाब मंत्रिमंडल का विस्तार जिहड़ा है इस नाल जुड़ी वड्डी खबर तुहानूं असी दस रहे हां। खबर यह सामने आ रही है कि दलित विधायक नूं सूबे का उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, एक वड्डी खबर इस वेले दी। तो इस दे नाल ही दुआबे तो पछड़ियां श्रेणियों नाल संबंधित विधायक मंत्री बनाए जा सकते हैं, कई फेरबदल हो सकते हैं। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का खेमा जोड़ तोड़ इस वेले कर रहा कि किसनों असी खुश करिए, किस तरह पिछड़ियां श्रेणियों की जी नुमाइंदगी वधाइए। पर माड़ी यह भी खबर है कि माड़ी कारगुजारी के आधार पर मालवा के एक मंत्री की छुट्टी होनी तय हो गई है। इस वेले एक दिक्कत यह भी है कि हाईकमान ने कैप्टन नूं एक शर्त भी रखी है कि बदला लहू कार्रवाई तहत तुसी किसी मंत्री की छांटी नहीं करनी है, ये इजाजत नहीं दिती गई है हाईकमान वालों। इस करके भी कैप्टन खेमे दियां जिहड़ियां ने मुश्किल भी वधिया हुई कि किस तरह के नाल वो अजिही कार्रवाई करन कि नाराज़ लोग खुश भी होण अते हाईकमान दी नज़रां विच भी वह बचे रहन। चंडीगढ़ तो मेरे सीनियर सहयोगी तरलोचन सिंह जी साढ़े नाल जुड़ रहे हैं इस खबर के उपर होर गलबात करन दे लई। तरलोचन जी, ये एडजस्टमेंट होएगी भावें हुण बहुत थोड़ा समा रह गया, इलैक्शन बहुत नेड़े है, ये सब कुछ इसलिए ध्यान च रख के किया जा रहा है बागी सुरां जिहड़ियां ने वो उन्हां नूं ठल पाई जा सके, लोग खुश किए जा सकन। बलविंदर जी, बिल्कुल पिछले कई दिनों तो पंजाब सरकार जी स्थिति जी खासो ही नहीं बनी पी है, कोई दिल्ली दौड़ रहा कोई किसी पासे दौड़ रहा, पर जो हम जानकारी मिली है हाईकमांड प्लस पंजाब के मुख्यमंत्री का दफ्तर जरा है वो मंत्रिमंडल फेर बदल करने काफी सरगर्म जाप रहा, जिसे एक गल जी मुख्य तौर पर सामने आई है वो 2022 की इलेक्शन ही जुड़ती है, नवजोत सिंह सिद्धू नूं माइनस करन वाले पासे भी जुड़ती है कि एक कोई दलित चेहरा जिहड़ा है वो पंजाब का डिप्टी सीएम बनाया जा सकता, उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता, जिहदे नाल एक पासे ते जिहड़ी गल दलित भाईचारे नूं खुश करन लई होऊगी, दूसरे पासे जो जानकारी मिली है कैप्टन खेमे नूं इह गल राहत आउंदी है घट्टो घट्ट सरकार विच उच्च अहुदे ते नवजोत सिद्धू का शामिल होना जिहड़ा खत्म हो जाएगा। वो दूसरी जिहड़ी वड्डी खबर सामने आ रही है दुआबे खेतर विच कांग्रेस की जिहड़ी भाल होर बनाउण लई मजबूत करन लई और नाल दी नाल किसे इह भी इक रोस प्रगट किया जा रहा सी कि पछड़िया श्रेणियों नूं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने मंत्रिमंडल च पांदी थां नहीं दित्ती और इस खेतर विचों दुआबे खेतर विचों किसे इक पछड़िया श्रेणी दे जिहड़े विधायक ने खास करके संकत सिंह गिलदियां का नाम चल रहा उन्होंने मंत्रिमंडल में लिया जा रहा, क्योंकि दुआबे केवल इको मंत्री ने सुंदर शाम अरोड़ा और जी एक चर्चा बड़ी चल रही थी कि कैप्टन कुछ मंत्रियों के बारे भी गुजर सकते हैं, पर एक ये जानकारी मिली है हाईकमांड महसूस कर रही है कि पंजाब सरकार को किसी खिलारे तो बचाने कैप्टन अमरिंदर सिंह इदा का अधिकार ना दिता जाए कि जिन्होंने उन्होंने विरुद्ध उंगलों चुकिया थी आवाज उठाई थी उन्होंने बदला लू कार्रवाई का कितने शांति की जाए, सो यह संभावना यह है भी ये कुछ कैप्टन अमरिंदर सिंह करने की इजाजत नहीं दी जाऊगी। पर एक चर्चा बड़ी भारू है मुख्यमंत्री दफ्तर के एक मालवे न संबंधित जोड़ा मंत्री जी की कारगुजारी पिछले समय से कहा जा रहा भी बहुत ही चंकी नहीं थी वो भी शांति जरूर की जा सकती है, और एक होर जानकारी यह मिली है कुछ मंत्रियों के विभागों की फेर बदल जरूर किया जा सकता, विभाग बदले जा सकते हैं कारगुजारी के आधार से, और यह समझ जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो विभाग बदलेंगे तो उसे कितने ना कितने किसी मंत्री खुंदक भी कर सकते, जिहड़ा मंत्री उन्होंने नाल जुड़िया सी उन्होंने कोई चंगा विभाग दिता जा सकता, सो यह चर्चा चल रही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार मंत्रिमंडल का फेर बदल जिहड़ा है पर तरलोचन जी जे देखिया जाए हुण देखिए तो इलैक्शन नूं मोटा मोटा 6 महीनों का समा रह गया जे असीं लगाईए, एक किन्ना क फायदा होएगा इस चीज़ के नाल सरकार की गल करिए लोगों के कामों की गल करिए जिहड़े वार वार कारगुजारी नूं लैके सवाल उठ रहे हैं, परफॉर्मेंस कोई दिखा नहीं पाएगा, 6 महीना बहुत थोड़ा समा हुंदा जे जिहड़ी सरकार 5 साल च कुछ नहीं कर सकी, 6 महीनों च इस दे नाल अजिहा कि चमत्कार हो जाएगा।
असल च जिहड़ी पंजाब सरकार की खास करके कैप्टन अमरिंदर सिंह की कारगुजारी जिहड़ी है वो बहुत माड़ी मनी जा रही है और ये लोग पहलों कहते असीं हुण उन्हां दे मंत्री मंडल के साथी और उन्होंने विधायक और उन्होंने लीडरशिप कह रही है ये जो सारी गल तो लगता भी उस गल उपर पर्दा पाने लिए किने हर कैंप में यह गल कही जा रही है कि उप मुख्यमंत्री कोई दलित चेहरा लिया जाए इस ढंग कोई अगे पिछे करके किसी वर्ग को खुश करने लिए आप एक डिप्टी सीएम बना दिए और नाल दी नाल एक वड्डा रफड़ तो है ही है कैप्टन सरकार के कुछ जेड़े बिल्कुल कैप्टन खेमे के नाल हुण जुड़े से जेड़े किसी वेले दूर लगते जेड़े नाल से दूर चल गए है उन्होंने किसी ढंग एडजस्ट करने लिए जेड़े विरोधी खेमा मनिया जाता उन्होंने लुकड़े तलोचा जी एक जे मुकदी गल करिए असीं कह सकते हैं कि कांग्रेस के कुछ आगू खुश हो सकते हैं इस चीज के नाल आम लोगों लिए कुछ नहीं है इस खबर च बलविंदर जी कुछ भी नहीं गा हाँ आम लोगों लिए ता हों जे एक कैबिनेट रौला पैंता दस मंत्री ये कहें कि पहलो घर घर रुजगार दो नहीं तो मैं रिजाइन दे दूंगा जे गल कहते भी जिन्हें ठेके वाले मुलाजमान रेगुलर करने का वादा किया कैप्टन साहब उन्होंने रेगुलर कर नहीं तो अभी साइड से हो जाएंगे ज ड्रग जरा पूरी तरह खत्म क्यों नहीं किया गया जसानी जेडे करजे से पूरी तरह माफ क्यों नहीं किए गए सो लोगों का मुद्दा कोई नहीं गा कि कांग्रेस बिल्कुल गल यही है कि जो बिल्कुल छे महीने रह गए ने सरकार बहुत बहुत धन्यवाद तलोचन सिंह जी उस वेले भी सिर्फ तो सिर्फ पोजिशन की फिक्र है ये फिक्र नहीं है कि लोगों असी की किया तो किस तरह उसको ठीक कर सकते हैं जिहड़ियां हुण तक गलतियां हुई ने इस वाल कोई ध्यान नहीं है ध्यान सिर्फ यही है कि पोजिशन दे दईए लोगों खुश कर लईए।